आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। गाइज ये जो मैच है ये गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाला है। अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में आगे प्लेऑफ्स में जाना है तो, जो कि एक तरीके से गाइज लग रहा है कि नहीं क्वालिफाई कर पाएगी दिल्ली। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज कि चाहे से इस साल का आईपीएल हो, पिछले साल का आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, इस साल का पीएसएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, करेक्ट मैच प्रेडिक्शन रिपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अपने और आपके एम किंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में गाइज है। तो जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे ही आपको ड्रीम 11 की टीम भी मिलेगी, अपटू 2 मेंबर्स 4 मेंबर्स की, और आईपीएल से हर छोटी बड़ी जानकारी, स्पोर्ट्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको अपने इस चैनल एम किंग स्पोर्ट्स को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए यहां मिलेगी। और साथ में एम किंग स्पोर्ट्स जाके आप गाइज टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और देखिए कि हम आईपीएल के हर छोटे बड़े फैक्ट्स और जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए इस मैच की बात करते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, क्या ये मैच चेज होगा, क्या ये मैच डिफेंड होगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी या फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, हाई स्कोरिंग मैच होगा, कौन जीतेगा ये मैच, पिच रिपोर्ट क्या होगी, इसकी बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल खेले गए 5 मैचों में से केवल 2 मैच में जीत हासिल की है गाइस। एज यूजुअल दिल्ली हमेशा फेल होती है, आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई, वही हमें इस टूर्नामेंट में इस साल भी आईपीएल में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऋषभ पंत के आने के बाद भी दिल्ली बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है। लास्ट ईयर तो इनके पास बहाना था कि ऋषभ पंत नहीं है तो कैसा खेलेगी दिल्ली, अच्छा नहीं खेली, पर अब ऋषभ पंत आ गए तो भी कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। उनकी कप्तानी काफी कमजोर दिखाई दे रही है गाइस आईपीएल के अंदर। जहां पे डीआरएस लेना होता है वहां लेते नहीं, जहां नहीं लेना होता वहां ले लेते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के जो ओपनिंग बैट्समैन है साई सुदर्शन शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे गाइस, और कहीं ना कहीं मैथ्यू वेड आने के बाद से उनकी बैटिंग लाइनअप भी मजबूत होती दिख रही है गाइस। दिल्ली कैपिटल्स पिछले 3 मैचों में 600 से ज्यादा रन दिए, क्योंकि बॉलिंग बहुत वीक दिख रही है गाइस दिल्ली कैपिटल की। बॉलर्स को अच्छे से वो गाइस यूज नहीं कर पा रहे। टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल देखे तो गाइस राजस्थान एज यूजुअल टॉप पे है गाइस, बहुत शानदार टीम है, अच्छे से कप्तानी भी हो रही है। ठीक है, अगर हम कहें इस वर्ल्ड कप में अगर किसी एक विकेट कीपर को ले जाना चाहिए तो वो संजू सैमसन डिजर्व करते हैं। कमेंट करके बताइए क्या हम गलत कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत या संजू सैमसन किसे वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए? संजू सैमसन को गाइस, क्योंकि कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम बात देखें गाइस इस मैच में, तो इस मैच के अंदर गाइस आपको देखने को मिलेगा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा गाइस। दिल्ली कैपिटल्स जो है उनकी जो बॉलिंग है वो काफी बुरा परफॉर्म कर रही है और उनके बॉलर्स को विकेट लेने पड़ेंगे अगर उन्हें गुजरात से मैच जीतना है तो। अगर हम देखें दिल्ली का मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है। एक है इनके बैट्समैन जो है डेविड वार्नर, जो कि एकमात्र अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बॉलिंग में एकमात्र है कुलदीप यादव जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब गाइस अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से गाइस शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रशीद खान परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं गाइस। ठीक है, और आज के मैच में आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे गाइस साई सुदर्शन भी, और साथ में अगर ये शाहरुख खान को खिलाते हैं तो वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे।